यहाँ परदेश में रहते हुए बहुत मिस करते हैं जब आपके अपने ही होते हैं क्लोज, और पेंडेमिक की वजह से क्योंकि मिल नहीं रहे ज्यादातर लोग। लेकिन फाइनली आज हमारे घर की हाउस वार्मिंग डिनर भी है और ईद भी है, तो मजा तो वाला हो गया। बहुत अच्छी गुजरी है, बल्कि मेरे दोस्त ने कहा कि खास कर दी। मैं आपको बताऊँ फर्क ये है कि यहाँ ज्यादा अच्छी ईद मनाते हैं, वहाँ अच्छी ईद मनाई जाती है। यही है कि पेरेंट्स हमारे वहाँ पे हैं और हम यहाँ पे अपने बच्चों के साथ हैं, तो डेफिनेटली अपने अम्मी अब्बू को बहुत मिस करते हैं ईद के दिनों में। पाकिस्तान की और ईद की, यहाँ की ईद में फर्क ये है कि बाहर सब लोग काम कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान में अभी छुट्टी होती है, अभी सिर्फ रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। खाने में है मटर गोट कढ़ाई है और गोट का कीमा है जो दम कीमा जिसको कहते हैं, और बिरयानी है चिकन की, कोरमा है, उसके अलावा स्पेगेटी है और दाल है और सब्जी है। तो आपने खाने में क्या बनाया? मैंने कुछ भी नहीं बनाया जी, मैं आज खाने वालों में से हूँ। अच्छा, मैं अपनी बीवी को डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे दोस्त आशीष मुंडू की दावत पे आए हुए हैं, ये सारे फैमिली के साथ हैं, अपनी वाइफ के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। रिलेटिव्स वगैरह सब यहाँ पे हों तो फिर कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में रह रही है तो फैमिली के साथ ही मैं करती हूं। वो वाला जो स्पार्क है वो मिसिंग है जो पाकिस्तान में। गाय बकरे 2 हफ्ते पहले लेकर आ गए, उनको चारा खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, घुमा रहे हैं उनको, बल्कि मंडी जा रहे हैं माशाल्लाह घूमने के लिए। मेरे भी हमेशा पे 2 से 3 टूर लगते थे मंडी के, कि मतलब जाना है गाय देखने जाने के। दोस्तों के साथ निकले हुए पूरी रात बैठे हुए गाय के पास, तो वो मिसिंग है सर डेफिनेटली पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद उल अज़हा जिसे कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है, मुसलमानों के लिए एक अहम तरीन फेस्टिवल है। दुनिया भर के दूसरे मुसलमानों की तरह अमरीकी मुसलमान भी इसे जोशो खरोश से मनाते हैं और हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद करके अपने अल्लाह के लिए जानवरों की कुर्बानी देते हैं। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में लोग ईद कैसे मनाते हैं, अमेरिका की ईद और पाकिस्तान की ईद में क्या फर्क होता है, क्या अमेरिका में भी ईद पर फैमिली और फ्रेंड्स की गैदरिंग और पार्टीज होती हैं, क्या यहाँ की खवातीन भी चांद रात पर भरपूर शॉपिंग करती हैं, मेहंदियाँ लगवाती हैं, या कुर्बानी के जानवरों को कहाँ ज़िबा किया जाता है। इन तमाम बातों को जानने के लिए मेरा वीलॉग देखें और मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि अमेरिका में लोग ईद कैसे मनाते हैं। नाजरीन देखें, ये सूरज डूब हो रहा है और हम सुमरो फैमिली के घर की तरफ निकल पड़े हैं, तो मोस्ट लाइकली विद इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान में तो जब बकरा ईद होती है तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू होता है और मटन कढ़ाइयाँ होती हैं, कबाब्स होते हैं, बिरयानियाँ होती हैं, कलेजियाँ होती हैं। आज देखते हैं कि सुमरो फैमिली ने अमेरिका में हमारे लिए क्या बनाया है, उनका खाना भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि उनकी मेहमान नवाजी जो है वो कहीं किसी से कम तो नहीं है। अच्छा, अब हम सुमरो फैमिली जिन्होंने हमें ईद पे इनवाइट किया हुआ है वहाँ पहुँच चुके हैं और उनके घर की तरफ रवाना हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो आज आपने यहाँ पर इतने सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ है, तो आप बताइए आपकी ईद जो है वो कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी, अब लग रहा है अभी फील आ रही है प्रॉपर, क्योंकि इतने सारे गेस्ट हैं, बिल्कुल पाकिस्तान वाला ही लग रहा है सब कुछ। ये चीज हम लोग यहाँ परदेश में रहते हुए बहुत मिस करते हैं जब आपके अपने ही होते हैं क्लोज, और पेंडेमिक की वजह से क्योंकि मिल नहीं रहे ज्यादातर लोग। लेकिन फाइनली आज हमारे घर की हाउस वार्मिंग डिनर भी है और ईद भी है, तो मजा तो वाला हो गया। बहुत अच्छी गुजरी है, बल्कि मेरे दोस्त ने कहा कि खास कर दी। मैं आपको बताऊँ फर्क ये है कि यहाँ ज्यादा अच्छी ईद मनाते हैं, वहाँ अच्छी ईद मनाई जाती है। हम अमेरिका में पाकिस्तान से के कंपेयर टू पाकिस्तान बहुत अच्छी ईद मना रहे हैं और हम सब मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में तो कुछ मिलता भी नहीं एक दूसरे से, तो इसलिए बहुत फर्क है। हम लोगों में यहाँ बहुत मेहमानदारी और ईद की सही सेलिब्रेशन करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। आपकी कैसे रही? काफी अच्छी रही। आपकी कैसे रही? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। क्या खाया आपने ईद पे? क्या किया? ईद बस गुजर गई फैमिली के साथ। अंजू भाई डोंट डू दिस। क्या खा रही हैं आप? मैं ले रही हूँ मटन फ्राई और सुबह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जैसे आप ईद मना रही हैं, आपकी पहली या दूसरी ईद है, तो पाकिस्तान में जो ईद मनाती है और यहाँ की ईद में क्या फर्क है?
अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह सब यहाँ पे हों तो लेकिन अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में, आप बताइए आखून साहब, आप अभी रिसेंटली यहाँ पर मूव हुए हैं तो बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर ईद मना रहे हैं आप, फैमिली आपकी सारी पाकिस्तान में रहती है तो बताइए। बच्ची बेसिक चीज़ तो यही है कि पेरेंट्स हमारे वहाँ पे हैं और हम यहाँ पे अपने बच्चों के साथ हैं तो डेफिनेटली अपने अम्मी अबू को बहुत मिस करते हैं ईद के दिनों में। फ़र्क तो जनाब है लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी वजह से वो फ़र्क इतना फील नहीं होता पाकिस्तान की और ईद की। यहाँ की ईद में फ़र्क ये है कि बाहर सब लोग काम कर रहे हैं वरना पाकिस्तान में अभी छुट्टी होती है, अभी सिर्फ रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं, लेकिन जब हम अपने लोगों में बैठे हैं अपने प्यारों में बैठे हैं तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ईद भी है, ऐसा लग रहा है चांद रात भी है, सब ने सलवार कमीज भी कुछ लोगों ने पहने हुए हैं तो वो फील एग्जैक्टली आ जाती है बिकॉज के यहाँ पे अच्छे प्यारे लोग। और खाने के लिए भी कोशिश की है थोड़ा बहुत। तो आपने क्या कुर्बानी वगैरह की, कोई कुर्बानी वगैरह काटा? कुर्बानी जी बिल्कुल की है, हमारा गांव है शिकारपुर, वहाँ पे हम तीनों भाइयों ने और उनकी वाइफ्स ने और बहन ने मिलके हमने और एक बैल लिया जिसकी माशाल्लाह आज कुर्बानी हो भी गई। हमारे पास है चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई है, ये मटन कढ़ाई है, सैलेड स्पेगेटी, मटन दम कीमा, मटन दम कीमा, मटन के सीख कबाब और चिकन के कबाब और ये सब्जी खोर के लिए सब्जी कैसा लगा, कैसा था खाना? बहुत मजेदार। क्या खा रहे हैं आप? बहुत कुछ, मटन कोरमा है, चावल है, शामी कबाब है, मटन कबाब है, कीमा है। अमीर का मजा दुबाला हो गया, राइट? ईद का मजा दोबारा, पोस्ट मोस्ट ईद से बेहतर खाना है, बेहतरीन फूड है सर। माशाल्लाह बिरयानी खाई है, मैकरोनीज खाए, कबाब, मजा आ गया। चाय जो है जबरदस्त किस्म की इलायची वाली चाय बन रही है। तो आज से फाइनली आपने कुछ ना कुछ बना दिया, क्या बनाया आपने? सर चाय बनाइए क्योंकि कहते हैं कि मैं अच्छी चाय बनाता हूँ, तो मैंने कहा कि आज चाय में कुछ बना ही डालूं। बाकी तो सब चीजें अल्लाह का शुक्र है बनी बनाई मिल गई, लेकिन दिस इज माय स्पेशल। चले चाय पी के देखते हैं फिर बताएंगे कैसी लगी। बिल्कुल बताइएगा 100%। और ये मीठे में क्या है थोड़ा बताइए। सर ये स्पेशल खीर है और ये इसके अलावा ये बकलावा है, ये केक है और ये दो किस्म की आइसक्रीम है और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए डोनट्स। आसिफ भाई कोई जबरदस्त किस्म का कोई जोक बताएं भला लोगों को पता चले। सर मैं आजकल अभी इमरान को बोला था हमारी जिंदगी जोक हो गई है बताएं कदम, लेकिन खुशी हो रही है आप लोग सब प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हमारे साथ बैठे हैं और ये भी अल्लाह का फजल करम है जिसमें बहुत बड़ा किरदार मंसूर भाई आपका है। अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को इंशाल्लाह देखिएगा यूं टेक ऑफ करेगा। अबे भाई क्या मरवाएगा क्या? यूं टेक ऑफ, मुझे मारना चाहता है तो वैसे नहीं, नहीं। जिंदगी में और खुशी में डांस तो करना चाहिए। हाँ, तो आपने हमारा हाथ पकड़ा और चंद ही सालों में कहाँ से कहाँ पहुँचे। सुमरो साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप बताइए कि आप यहाँ पर काफी अरसे से रह रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में ईद मनाने में आपको ज्यादा मजा आता है या पाकिस्तान में ईद मनाने में ज्यादा मजा आता है? मंसूर साहब ईदें तो मेरे ख्याल में मैं कोई 25 साल से इधर हूँ तो 25 साल में समझ लें कि 50 ईदें तो की हैं। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा फील होता था कि भाई ये परदेश है या मतलब ये कम लोग होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब फैमिली बढ़ती गई लोग यहाँ पे आते गए, अब देख रहे हैं कि इस शहर में ही कमर पर कितने लोग हैं अपने, तो जब ईद नमाज पे जाते हैं तो सारे सब मिलके ईद पढ़ते हैं और उसके बाद जो शाम की दावतें दिन की दावतें होती हैं या मतलब दो तीन दिन तक दावतें चलती हैं और लोगों का मिलना जुलना होता है, तो बस लगता नहीं है कि कोई परदेश है, मतलब ये कि वी आर फीलिंग लाइक होम।
तो बताइए थोड़ा बहुत आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप हमेशा सारी उम्र तकरीबन पाकिस्तान रहे हैं और ये आपकी मेरे ख्याल से पहली या दूसरी ईद है जो यहाँ पर है, तो क्या आपको लग रहा है? पाकिस्तान की ईद में और यहाँ की ईद में तो बहुत बहुत फ़र्क है, और वहाँ तो मिलने वाले तो इतने होते थे कि गले मिल के थक जाते थे। यहाँ किसी एक घर में दावत हो गई, 8-10 बंदे 20 जमा हो गए, खाना खाया और चले गए, ईद खत्म हो गई। ईद हमारी बहुत अच्छी गुजर रही है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, तो बहुत अच्छी, जस्ट लाइक पाकिस्तान। अच्छा, तो पाकिस्तान की ईद में और यहाँ की ईद में क्या फर्क है? आई डोंट थिंक सो भी कोई फर्क है, यहाँ भी ईद वही दिल से मनाई जाती है जैसे पाकिस्तान में मनाई जाती है। कैसी गुजर रही है खवातीन आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। क्या खा रही हैं आप? बिरयानी खा रही हूं। ईद पे क्या करती हैं आप? ईद पे क्या किया? दावत है। अच्छा, आप बताइए कैसी आपकी ईद गुजर रही है? अच्छा, ये तो आपकी मेरे ख्याल से पहली ईद है रही, तो कैसा लग रहा है घर वाले यहाँ? मेरे यहाँ पे ये चौथी ईद है और वर्जीनिया में ये पहली। अच्छा, वर्जीनिया पहली। जो यहाँ पर ईद गुजार रहे हैं और जो आपकी पाकिस्तान में ईद होती है, दोनों में क्या बुनियादी फर्क है? सर जी, इसमें जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि वहाँ पे आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, मम्मी अब्बू को बड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनसे ही सारी ईद होती है। जब आप पेरेंट होते हैं, सारी फैमिली मेम्बर साथ होते हैं, तो उसको एक्चुअली ईद बोलते हैं, राइट। यहाँ पे भी हमने फैमिली बनाई हुई है, काफ़ी सारे दोस्त वगैरह हैं, उनकी फैमिलीज हमारी फैमिलीज हैं डेफिनेटली, पर अगेन अम्मी अब्बू जो होते हैं वो ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा गुर्बत इसलिए होती है क्योंकि वो ऐसे फील करवाते हैं कि भाई अभी भी तुम बच्चे हो, अभी भी तुम खर्ची के लायक हो, तो मतलब इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो सेंटीमेंट वो फैमिली के साथ ही आते हैं, पेरेंट के साथ। ये पहली ईजान की बकरा ईद है और ये हमारे दोस्त शोएब जो हैं उनके ये फर्जंद हैं और माशाल्लाह 4-5 महीने के हो चुके हैं, अपनी नानी के साथ, दादी के साथ इंजॉय कर रहे हैं ईद को। अभी ये ना बकरा खा सकते हैं और ना सैलड खा सकते हैं, तो अभी इनका सिर्फ दूध पर गुजारा है, लेकिन इनकी दादी ने इनकी कसर पूरी की और बहुत खाना खाया है। अच्छा अली भाई, ये बताइए के अपना आपके जो पेरेंट्स हैं वो कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनको मिस कर रहे हैं जी, और काश वो हमारे साथ होते। ऑल्दो इस एक ही मुल्क में है मगर कैलिफोर्निया लगता है ऐसे ही है कि एक और मुल्क है, तो आप मिस करते हैं उनको, काश वो हमारे साथ होते। घर वाले हैं, दूसरे बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? बस बहुत मुझे मिस कर रहे थे, सबके फोन मैसेज इतने आ रहे थे, लेकिन बस अब महाराणी का कैंप भी है, इतने सालों से वहाँ ईद मनाते हैं, अभी भी जाएंगे। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इस बार स्पेशल है बिकॉज हमारे बेबी हमारे साथ हैं माशाल्लाह, इज़ान नामे में, और हम लोग डे वन ईद पे कुर्बानी करने भी गए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जाता हूँ मैं, इट्स बीन अबाउट 9 ईयर्स नाउ, हर साल कुर्बानी। उस पार्क है वो मिसिंग है जो पाकिस्तान में, गाय बकरे 2 हफ्ते पहले लेकर आ गए, उनको चारा खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, घुमा रहे हैं उनको, बल्कि मंडी जा रहे हैं माशाल्लाह घूमने के लिए। मेरे भी हमेशा पे 2-3 टूर लगते रहे मंडी के, मतलब जाना है, गाय देखने जाना है, दोस्तों के साथ निकले हुए पूरी रात बैठे हुए गाय के पास, तो वो मिसिंग है सर डेफिनेटली पाकिस्तान, वी मिस पाकिस्तान स्पेशली ऑन ईद उल अज़हा। आपको कैसा लगा? नहीं, आपका खाना बहुत फर्स्ट क्लास था, स्पेशली कढ़ाई और सैलेड और जो आपने पुलाव और बिरयानी बनाई थी, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा यहाँ ईद पर आया करें ताकि हम इन्हें तरह तरह के खाने खाया। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे आऊंगी तो इंशाल्लाह आपको खिला के जाऊंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। आप सबको मेरी तरफ से, सुमरो फैमिली की तरफ से और हमारे तमाम दोस्तों की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे प्रोग्राम को शेयर करना ना भूलिएगा और जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं वो भी आप देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ईद मुबारक एंड गुड बाय।